कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है यह हम आपको सिखाएंगे पहले तो। और इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट का हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है। अगर आपने जनरली कहीं एनसीईआरटी में कहीं रिएक्शन देखा है तो आपको वहाँ पर ऐसे देखने को मिला मिलेगा। एच टू डिफरेंस में हम करते हैं ये, और सी एच थ्री सी एच थ्री बन जाता है, प्लस टू सी ओ टू बाहर निकल जाता है, प्लस इस एच टू ओ को हम एच ओ एच एच ओ एच ऐसे करके लिख लेते हैं। ये दोनों मिलकर इसके साथ बाहर निकल जाते हैं, डबल डबल है तो हम यहाँ डबल लगा लेते हैं ये ऐसे, और जो बचा हुआ ये है ये एच टू बनकर बाहर निकल जाता है और ये सी एस थ्री ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है जो जनरली हम समझ के चलते हैं कि ऐसे होगा। अब इसमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है वो देखिए। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, ये सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए ये दो पार्ट में टूटता है, सी एस थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरा एच टू ओ है, एच टू एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव में टूट जाता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पता है एनोड और कैथोड दो पोटेंशियल का यूज करते हैं, तो एनोड एनोड पर और क्या होता है, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव, और ये ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सी एस थ्री सी ओ, और वैसे भी ये पॉजिटिव है तो इस पर कौन आएगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा ये आता है ऐसे, सी एस थ्री सी ओ ओ अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देता है और इस पर डोट आ जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब क्या होता है, सी एस थ्री सी ओ ओ इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, होता क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटता है यहाँ से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है तो सी एस थ्री सी एस थ्री डॉट बन जाता है और सी ओ टू यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल बन गया सी एस थ्री और डॉट सी एस थ्री, ये कंबाइंड होके सी टू एस सिक्स भी बना सकता है, सी टू एस सिक्स भी बना सकता है, और यहाँ से एच टू ओ पर क्या होता है, अब हम कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पर क्या होता है, एच पॉजिटिव अपना, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आए थे हमारे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दो इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये क्या बन जाता है, एच नेगेटिव, एच ने दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन करता है, गेन करने के बाद ये क्या बन जाता है, एच टू, दैट्स इट। ये भी हम यहाँ टू ले रहे हैं, सब क्या हमने दो दो मोल लिए, और ये वाला भी देखो हमने दो लिया था तो इसे भी हम डबल डबल कर देते हैं, सब जगह डबल डबल हो जाता है। ठीक है, ये टू हो जाएगा तो ये भी टू, ये टू, ये हमने इस तरह ले लिया, इसमें हमने दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो एच नेगेटिव बन जाता है और एच टू बन जाता है, दैट्स इट। थैंक यू। एक मिनट ना।